हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आज मैं आपको अपने ही फैमिली की एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। बस नाम बदल दिया है कि रिलेटिव न जाने किसकी बात कर रहा हूं, वरना पिटाई कुटाई सब होगी। ये स्टोरी आपके फैमिली की भी हो सकती है और आज की वीडियो देखने के बाद आपके लाइफ के जीने का अंदाज बदल जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर पहली बार आए हैं तो ये जो फिनोविंग्स चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतरीन फाइनेंशियल लर्निंग की वीडियो हम लाइव कर रहे हैं जो आपके जीने के अंदाज को बदले, फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प करें। चिंटू एक यंग वर्किंग प्रोफेशनल है, पेशे से इंजीनियर है। आस पड़ोस वाले उसकी खूब तारीफ करते हैं क्योंकि उसने 30 की एज में कार और घर दोनों ले लिया, वो भी सिर्फ 4 साल में। लेकिन चिंटू फिर भी खुश नहीं है। आप सोच रहे होगे क्यों? क्योंकि वो 4 लोग क्या कहेंगे, कुछ समझे? हमारी सोसाइटी जिसको दिखाने के चक्कर में सिर्फ 4 साल में ईएमआई पर घर और कार ले लिया और सारा पैसा ईएमआई भरने में जा रहा है। ईएमआई भरने में हालत खराब है और कैसे भी ईएमआई भर के 10 से 15 हजार रुपया बचा रहा है। अब कार है, घर है, जॉब है, लेकिन घरवाली नहीं है। अब चिंटू के पापा ने एक सुंदर सी लड़की देखी, शादी फिक्स हुआ। शादी भी भैया रॉयल होनी चाहिए, कार है, घर है, लड़का इंजीनियर है, स्टेटस है, तो नॉर्मल शादी कैसे होगी? क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे। 2 ईएमआई पहले से चल रही है, शादी का भी लोन लिया, उसकी भी ईएमआई शुरू, यानी अब 3 ईएमआई शुरू हो गई। साथ में घर में बीवी आ गई, उसके खर्चे चालू हो गए। आप सब जानते हैं बीवी के खर्चे, वो बताने की जरूरत नहीं है। वैसे कौन कौन परेशान है कमेंट में लिख तो दीजिएगा। इसलिए अब चिंटू को ये रियलाइज हो रहा है कि ईएमआई भरना भैया भारी पड़ रहा है। उसको चुकाने की प्रेशर में और मेहनत करता है कि प्रमोशन मिले, कुछ सेविंग हो, बट एक्चुअली हो कुछ नहीं पा रहा है। जिंदगी हो गई है नरक, जिंदगी हो गई है झंड, क्योंकि एक बार परी उसकी इमरजेंसी जब उसके फादर को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा और वापस से पैसे तो थे ही नहीं, क्योंकि कोई सेविंग तो थी नहीं। यहां तो ईएमआई, 4 लोग क्या कहेंगे, और वहां पर हॉस्पिटल में करने के लिए फिर से ईएमआई, क्योंकि यहां तक कि कोई एक भैया हेल्थ की प्लान होनी चाहिए थी, वो भी नहीं, क्योंकि सारा पैसा तो जा रहा है ईएमआई में। वहीं दूसरी तरफ एक मेरे रिलेटिव है मिंटू, उसी समाज में उसको कोई वाह वाह ही नहीं देता है, क्योंकि वो ऑफिस किससे जाता है, बस से। तो समाज के अकॉर्डिंग वो गरीब है। वो अपने छोटे छोटे खर्चों को कम कर रहा है, जरूरत पड़ने पर ही कुछ खरीदता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फोन सबकी जरूरत है और सबके पास होना चाहिए, बराबर है, और उसका काम 10 से 15 हजार रुपए के फोन पर खूब मजे से चल रहा है। और मिंटू के पास भी 10 से 15 हजार रुपए का रिजनेबल फोन है। उसने 4 लोगों को दिखाने के लिए आईफोन ईएमआई पे नहीं लिया है। अब मजे की चीज क्या है, मेहनत करते करते, पैसे बचाते बचाते, सेविंग करते करते 10 साल बाद उसने घर लिया, ईएमआई पर नहीं, खुद के पैसे पर, क्योंकि खुद के पैसे उसने बचाए थे, सेविंग किया था, कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, कोई फाइनेंशियल गोल सेट किया था, उस पर आऊंगा। दोनों की कहानी में क्या फर्क है? आप बोलेंगे वही, चिंटू ने सब चीज ईएमआई पर ले लिया इसलिए गरीब है, और मिंटू ने अपने पैसे से घर लिया, वो अमीर है, स्टेबल है, टेंशन नहीं है। अब आपने यहां क्या सीखा? चिंटू 4 लोगों को दिखाने के चक्कर में अपनी जिंदगी झंड कर लिया, बट मिंटू को 4 लोगों को कुछ दिखाना ही नहीं था, खुद की जिंदगी अच्छी बनानी थी। कोई कुछ कहे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसने सब कुछ सोच समझ कर किया। इस स्टोरी में चिंटू हुआ मिडिल क्लास ट्रैप का शिकार। सवाल यह है कि इस ट्रैप से कैसे बचे? क्या सिर्फ एक तरीका है अपनी इच्छाओं को मारने का, खूब कंजूसी करने का, खूब कंजूसी करके पैसा बचाएं और अमीर हो जाएं? नहीं, नहीं और नहीं। देखिए कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने की है। पहला, सबसे पहले अपने नीड्स और वांट्स में फर्क समझिए। नीड्स और वांट्स में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते हैं। समझाता हूं। जैसे मिंटू के केस में मैंने बताया, वो 10-15 हजार का फोन यूज करता है। फोन आज के जमाने में सबकी नीड है, लेकिन ये नीड आपकी वांट कब बन जाती है पता नहीं, और आप आईफोन पे आ जाते हैं 4 लोगों को दिखाने के लिए, और आईफोन हैंडल करते हैं, भर रहे हैं ईएमआई। जरूरत ही नहीं है भैया, हमारी जैसी औकात है हम वही रखेंगे ना। आपका काम स्प्लेंडर से हो जाता है, लेकिन आपको चाहिए बुलेट। और मैंने कई लोगों को देखा है, घर में स्प्लेंडर है लेकिन बुलेट खरीदे हुए, रोज स्प्लेंडर यूज करते हैं, बुलेट 4 लोगों को दिखाने को। तीर लगी दिल पे,
तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। एक तरीका बताता हूँ जिससे आप नीड और वांट में फ़र्क समझ पाएँ। मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए, 10 दिन तक वेट करिए, अगर फिर से आपको फील हो रहा है कि उसकी ज़रूरत है तब लीजिए, नहीं तो आपको उसकी नीड नहीं सिर्फ वांट थी। अब जैसे मेरी वाइफ आज भी आईफोन यूज़ नहीं करती है, उसको पैसे की बर्बादी लगती है जबकि वो आईफोन 2 मिनट में खरीद सकती है। आप फ़र्क समझिए थॉट प्रोसेस का। दूसरा, अप्लाई 50-30-20 रूल। आपको अगर अपने नीड और वांट में फ़र्क समझ आ गया तो मंथली इनकम को 50-30-20 रूल के हिसाब से डिवाइड कीजिए। 50% आपके सैलरी का पैसा आपके नीड पर जाना चाहिए जैसे ग्रॉसरी, रेंट बिल। 30% अपने वांट पर जैसे वीकेंड पर मूवी, आउटिंग। 30% से एक्सीड मत कीजिए और 20% को सेव कीजिए और वहाँ पर प्रायोरिटी दीजिए SIP को, EMI को नहीं। आपकी सैलरी का 20% जो आप सेव कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। गोल्ड है, स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, NPS है, PPF है, अपने गोल्ड के अकॉर्डिंग। वो तो मैं आपको यहाँ पे सिखा ही रहा हूँ ना, हर इंसान का अपना अपना गोल होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको एक सिंपल से कैलकुलेशन से दिखाते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अपने वेबसाइट पर, बट उससे पहले अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो मुकुल अग्रवाल शॉर्ट्स, और बाकी लर्निंग चाहते हैं तो मुकुल अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं पर अगर आप स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हैं और एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इंट्राडे स्विंग पोजीशन ट्रेड करते हैं तो 10 जनवरी की स्टॉक मार्केट शुरू हो रही है, नवरात्रि ऑफर है। 9708094321 पे कॉल कीजिए जिसमें कैश, फ्यूचर, ऑप्शन कुछ भी सीख कर बिंदास काम कर सकेंगे। बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं, इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, और एक सही स्टॉक सेलेक्शन से आप पैसा कमाएंगे। तो मौका ना जाए, क्योंकि इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं। तो यहां पर हम आ गए, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, हम सिर्फ एक रियल चीज दिखाएंगे और यहां पर आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी। आप कभी भी आएंगे तो ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, हम इस फाइनेंशियल कैलकुलेटर पर आ गए, ठीक है, और लॉन्च SIP कैलकुलेटर पे आ गए। अब यहां पे क्या करना है मुझे कुछ नहीं करना है। ये जो मंथली इन्वेस्टमेंट है, मैंने क्या था गोल, पता है एक जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे पास म्यूचुअल फंड के लिए बहुत सारी क्वेरी आती है, कोई 2000 का SIP कर रहा है, कोई 5000 का, उसे पूछो आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उसको ये पता है कि मैं SIP कर रहा हूं, मतलब लोगों को दिखाने के लिए SIP हो रही है, गोल के लिए नहीं हो रही है। जबकि गोल के लिए होना ना, तभी तो अगर बच्चे की शादी है, एजुकेशन है, इमरजेंसी है, या आपका कोई रिटायरमेंट का प्लान है, आपका कोई विदेश घूमने का सपना है, कैसे पूरा करोगे? गोल नहीं रहेगा तो ये 2000-5000 से भी होगा, बट गोल बना के सिस्टमैटिक वे में, एवं रैंडम नहीं, रैंडम से कुछ नहीं होगा। तो वहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, और मैं लोएस्ट, मैं यहां पर सिर्फ हर चीज लोएस्ट भर रहा हूं। लोएस्ट भरने का सेंस क्या है कि यहां पर आप अपने हिसाब से अपने फिगर को, अमाउंट को डाल सकते हो। अब ऐसे तो वो इंजीनियर था तो उसकी सैलरी डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मैं जानबूझ के उसकी सैलरी को नहीं पकड़ रहा। वो जो मेरे रिलेटिव है उसकी सैलरी रिवील नहीं करनी ना, इतनी बात रिवील कर दी अब तो फोन आने वाला है, गाली पड़ने वाली है भरपूर, ठीक है, क्योंकि वो 4 लोग भी जान चुके हैं कि मुकुल अग्रवाल के रिलेटिव की कहानी, तो वो रिवील करूंगा। एक सिंपल सी बात समझाता हूं जो आप घर पे भी जाके कैलकुलेशन की, मान लीजिए 10,000 रुपया मैं बचाया, मुझे उसकी SIP करनी है, और चुके हमने कहा था कि उसने 10 साल में घर ले लिया तो हमने 10 साल डाल दिया और 15% का मिनिमम आपको रिटर्न मिल जाता है। अब एक सेकंड के लिए हम देखते हैं कि भैया इतनी ही हालत में फ्यूचर वैल्यू क्या आती है, करेक्ट है, तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितनी आई, 27,86,000 रुपए के करीब आई। अब गौर करो, जो इंसान अगर अपनी मेहनत से 10,000 रुपए बचा रहा है तो जरूर वो एक उस तरह का प्राणी है जिसके पास पैसे कम है, तो उस इंसान के लिए अगर 10 साल के बाद 27,50,000 तक का अमाउंट बन रहा है वो तो भैया डांस करेगा, क्योंकि उसके के लिए तो बहुत ज्यादा रकम है। तो वही चीज मैंने कही कि देखो, कोई इंसान क्या होता है 25 लाख के फ्लैट में रह रहा है, कोई 50 लाख के, कोई 1 करोड़ के, कोई 5 करोड़ के, कोई 10 करोड़ के, कोई 50 करोड़ के, तो हर इंसान अपने हैसियत के हिसाब से रह रहा है, तो हर इंसान अपनी कमाई के हिसाब से फिगर यहां डालेगा और वो अमाउंट का कैलकुलेशन बनेगा और लॉन्ग टर्म में चीजें निकल के आएंगी, राइट। तो दिस इज द वे जहां पर हम इस तरीके से प्लान करते हैं, ना कि कमाई का पता नहीं, EMI ले लिया, EMI पे आईफोन ले लिया, EMI पे महंगे जूते ले लिए, EMI पे बड़ी बड़ी TV ले ली, और फिर जिंदगी भर परेशान रहे, बुढ़ापे में तो और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और यहीं पर मिडिल क्लास लोग, सिर्फ जो कहते हैं ना, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ऐसे ही होता जा रहा है। तो प्लीज इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए, हर WhatsApp पे, हर Telegram पे,
जिससे सब इंसान को समझ आए वो गलती कहाँ कर रहे हैं। और माफ़ कर दीजिएगा भैया, हमने नाम नहीं लिया है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड की कोई भी जानकारी के लिए, हेल्प के लिए, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भर दीजिएगा, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। थैंक यू।